मैं आज डॉक्टर सोनम आपको मोटापे के कारण जो जो बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से बचना कैसे है और मोटापा कैसे कम करना है इसके बारे में बताऊंगी। ज़्यादातर लेडीज़ का जो फैट पेट पे जमा हो जाता है कारण है क्योंकि उनके हॉर्मोन्स इस तरीके से होते हैं, उन्होंने बच्चा पालना होता है और मोटापे के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाती है, उनकी कमर में दर्द होती है। इसके अलावा उनको पीसी हो सकती है, अगर यंग लड़कियों का वजन बढ़ेगा, ये तो पतली है वैसे, अगर बढ़ेगा तो इनको PCOD, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महीना नहीं आएगा इनको और फिर बच्चा नहीं होगा, और जैसे इनकी एज में आके कैंसर होने का डर, और साथ में इनको डिप्रेशन, दमा, बवासीर, पित्ते की थैली में पथरी, ये सारा कुछ मोटापे की वजह से होता है। अब मोटापा होता क्यों है, क्योंकि कुछ खाने हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे ये मैदा, चीनी, बेकरी किसी भी प्रकार की, दूध और कॉन्सेंट्रेटेड फूड जैसे अंगूर, किशमिश, इन खानों को हमें बिल्कुल कतई नहीं खाना चाहिए, और प्रिजर्व्ड बासी खाने नहीं खाने चाहिए, नूडल्स, एनिमल फैट, मक्खन, मलाई, ये नहीं खाने चाहिए, मैदा, बेसन खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, एंड ओवर यूज़ ऑफ ड्राई फ्रूट्स नहीं होना चाहिए। हमें खाना क्या चाहिए ताकि हम पतले रहें? पहले तो हमें अपना जो खान पान है वो इस तरीके से रखना है कि हमें दूध की जगह पे छाछ लेनी चाहिए। अगर आप कैल्शियम चाहते हैं, कैल्शियम की कमी छाछ पीने से पूरी हो जाएगी। फिर हमें स्प्राउट्स खाने हैं, फिर हमें सब्जियां खानी हैं। अगर आप गेहूं नहीं भी खाना चाहते, अकेली सब्जी के चार बाउल खा लेंगे, उससे भी आपका पेट भर जाएगा, तो उससे आपका वज़न कम होएगा। सिंपल एक थोड़े से ऑयल में शिमला मिर्च लीजिए, बीन्स लीजिए, टमाटर और घिया, टिंडे सब डालकर हल्का सा सॉटे करिए उसको, उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू डालिए और उसे खाइए। दिन में वो आप 4 बार खाएंगे, 6 बार खाएंगे, आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होएगी और मोटापा भी कम हो जाएगा। अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं तो सिर्फ ब्लैक टी लीजिए, जिसमें 1 कप पानी में सिर्फ 1 चुटकी पत्ती डालेंगे और उससे आपका ये चाय बन जाएगी। इसको ना ये कड़वी होगी और आप जो चाय की ना दूध डालें इसके अंदर, ना शुगर डालें। अगर आप ये दोनों बंद नहीं कर सकते तो आप चाय नहीं लें। इसके अलावा ये कड़ी पत्ता है जो आपका वेट लॉस, मीठा नीम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में डॉक्टर मित्तल आपको बताएंगे। तुलसी के पत्ते हैं, ये अमरूद पत्ते हैं, ये सदाबहार के पत्ते भी यहीं पर हैं, और ये बेलपत्तर है। इन पत्तों को अगर आप रोज़ सेवन करेंगे, इनका जूस बना के बेशक आधा गिलास लीजिए इनका, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। स्प्राउट्स पाने का बड़ा आसान तरीका है कि एक ओवरनाइट आप साबुत मूंग को भिगो के रखिए, सुबह एक छलनी लीजिए, छलनी के अंदर एक कपड़ा, उसके अंदर मूंग, एक उसको डब्बे के अंदर रखिए और उस कपड़े को बंद करें, उसको गीला कर दीजिए, तो ये स्प्राउट्स आपके इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब और एक टिप मैं आपको एंड में बताऊँगी, जिससे आपका वज़न अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खाएंगे तब भी कम हो जाएगा। और अब बर्तन जो आपको चाहिए, आपको नीले रंग के बर्तन चाहिए, इसमें खाना कम खाया जाता है, वज़न कम बढ़ता है। चम्मच आपका बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बड़े बड़े चम्मच नहीं इस्तेमाल करने हैं आपको, छोटे चम्मच इस्तेमाल करने हैं। खाना चबा चबा के खाना है और आपको डिनर नहीं करना है, और खाना थोड़ा थोड़ा बारी बारी खाना है, पूरा खाना पेट भर के नहीं खाना, हमेशा खाना थोड़ा सा कम रखिए कि पेट में आपके जगह रखें। इसके अलावा जो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, रोज़ की 30 मिनट्स की एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। यंग गर्ल्स के लिए एक्सरसाइज है स्किपिंग, तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी और वज़न भी कम होएगा। फिर नेक्स्ट आएंगी एक्सरसाइज आपकी, आप जंपिंग जैक्स करिए। आपने ये सिर्फ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट रोज़ करनी है। आप इनिशियली इसको 15 सेकंड के लिए शुरू करें, फिर 30 और फिर 1 मिनट तक लेके जाएं। रोज़ 7 मिनट के लिए करेंगे तो आपका पेट जो है बिल्कुल अंदर लग जाएगा। जंपिंग जैक्स के बाद आपके हाई नीज हैं, इससे आपके घुटनों में भी दर्द नहीं होगा, लेकिन आप उसको धीरे धीरे शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपने जो लेट के करनी है, किक्स करनी है और रशियन साइड्स करने हैं और साइकिलिंग करनी है और फ्लटर कर रहे हैं आपको। आप ये सिर्फ सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपका पेट बिल्कुल अंदर लग जाएगा। मैंने 10 दिन कम किया है तो मैंने स्प्राउट्स खाए, सब्जियां खाई, ब्लैक टी ली और ड्राई फ्रूट्स लिए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स मैंने मॉडरेशन में लिए, बिकॉज जो वॉलनट है और पिस्ता है ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अब रहेगी बात कि
वो टिप क्या है जो मैंने आपको देनी है? तो आपको टिप ये देनी है कि आप दिन में कभी भी जब आपका मन करे इस तरीके से आप काउंटिंग करेंगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 काउंट करेंगे। जब आप काउंट कर लेंगे ऐसे दिन में 4 से 5 बार करेंगे, तो आप एक्सरसाइज नहीं भी करेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लेंगी, तब भी वो सेटल डाउन हो जाएगा। मैडम ने बड़ा अच्छा बताया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। अगर इनको प्रैक्टिकली लाइफ में हम अडॉप्ट करेंगे निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू मैडम। मैडम पिछले 25 साल से करनाल में प्रैक्टिस कर रही हैं और बड़े सारे लोगों को ये टिप्स दी हैं और लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं कुछ ही ऐड करूँगा। एक तो इंटरमीडियंट फास्टिंग को फॉलो करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह के नाश्ते में जहाँ तक हो सके पत्तों का जूस या सब्जियों का जूस ले लें, जैसे पेठे का जूस, लौकी का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस ले लें सुबह के टाइम में, ये ध्यान रखें। और जो फीडिंग विंडो है हमारी वो छोटी रहे, हमें हम 8-9 घंटे ही खाना खाएं, सूरज की रोशनी के रहते रहते ही खाना खाएं, उसके बाद शाम का खाना हमें सूरज छिपने से पहले खाना पड़ेगा 7-7:30 पे, फिर हम 4-5 किलोमीटर की वॉक कराएं, फिर रात को जल्दी सोएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग में योगा भी करें। थोड़ा सा मैं योग भी बताऊंगा आपको, जैसे कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। हमारी ऑटोफेजी की प्रोसेस शुरू हो जाती है अगर हम प्राणायाम करते हैं तो, उससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम इंप्रूव का बैलेंस ठीक बनता है। इसलिए योग भी करें सुबह, सुबह वॉक भी करें, सुबह जल्दी उठें। अगर हम शाम का खाना खाएंगे जल्दी तब हम जल्दी सो पाएंगे, फिर हम जल्दी सुबह उठ पाएंगे। और दूसरा, जो काम वाली हमने घर पर लगाई होती हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा काम खुद घर पर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि महिलाओं में अगर वजन ज़्यादा बढ़ेगा तो डिफरेंट बीमारियों की शुरुआत है, तो उसको खुद हमें कॉन्शियस होकर रोकना पड़ेगा। मैडम का ये अगर डॉक्टर सोनम से किसी कंसल्टेशन करनी हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे इनका लिंक मिल जाएगा आपको, रेमेडो पे अवेलेबल है ये ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। ये इनके डॉक्टर सोनम IVF करके चैनल भी हैं, और मेरा भी जो जगदम्बा बीबी का चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं हर संडे को लाइव होता हूँ शाम को 4 से 5, तो इसमें भी आप जुड़ें, इस हर संडे को आप जुड़ें तो उससे अच्छा रहेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कंसल्टेशन करनी हो आप इसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को वो करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो और डिफरेंट वीडियो ऐसे ऐसे मिलती रहेंगे हेल्थ रिलेटेड वीडियो। ये मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए प्रैक्टो पे और लाइब्रेट पे अवेलेबल हूँ, तो अगर इस फ़ोन पे आप वो करेंगे बेल करेंगे, हाई करेंगे, हेलो करेंगे, इसको व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसे लाइव लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें जिससे कि लोग पॉजिटिव रहें और अपने खान पान रहन सहन को ठीक करके अपने मोटापे को कम करें। ये ना सोचें कि डॉक्टर मेरा मोटापा कम करेंगे, हमने खुद ही वजन बढ़ाया है, हम खुद ही कम कर सकते हैं, या फिर कोई दवाई देंगे, ऐसा ना सोचें, तो इसे खुद आप कम कर सकते हैं। थैंक यू।